भिन्न बिल सदन के पटल पर रखे गए। विधायकों ने प्रदेश के हित में अपनी आवाज को बुलंद किया। कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने संगठित अपराध पर अपनी बात कही, तो वहीं मंत्री शांति धारीवाल भी सदन के सितारे रहे। उन्होंने संगठित अपराध से जुड़े बिल पर कहा कि राजस्थान अब चौथा स्टेट है जो ये एक्ट लेकर आया है। तो वहीं विधायक अशोक लाहौटी ने कहा कि जयपुर की सांगनेर खुली जेल को राजधानी से बाहर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर सांगनेरी प्रिंट हैंडीक्राफ्ट से जुड़े संस्थान खुलने चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और स्थानीय रहवासियों का जेल से भय भी कम हो सके। हम किस तरह की संस्कृति यहाँ पनपाना चाह रहे हैं? ये तमाम संस्कृति, तमाम जड़ें, ये काले काज की गाड़ियां चल रही है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही है, और हम लोग उस काफिले के अंदर उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह के जो हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, वो ही संगठित अपराध की जड़ है। और इस तमाम संगठित अपराध की जड़ को अगर हम लोग नहीं मिटाएंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान पुलिस को। पिछले दिनों के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। आज संगठित अपराध की जड़ को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्ट जो मकोबा का बनाया गया, ये एक्ट जो महाराष्ट्र ने बनाया, उसी को कर्नाटक में ने बनाया, और उसी को जो है गुजरात ने बनाया, और उसी को हमने बनाया। हमने इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किए कि अगर चेंजेस करते तो ये मामला प्रेसिडेंट के पास जाता और ये लंबा खींच जाता। जो खुली जेल है उसमें 25 बीघा जमीन है, वो आज जयपुर के सेंट्रल में आ गई है। उस जमीन को ऑक्शन किया जाए या उस जमीन पर सांगानेर हाट बनाया जाए, और 300 साल पुराना जो सांगानेर का जो कपड़े का व्यवसाय है, जो प्रिंटिंग यूनिट्स है, उनको वहां पर दिया जाए। उससे हजारों करोड़ रुपए जेल की आय होगी, उससे आप कई जेलों को सुधार कर पाओगे। और इस जेल को जयपुर से बाहर आप बनाए थे, वहां पर जयपुर के मिनी सेक्रेटरीट बनाकर जयपुर शहर के सांगानेर तहसील की उप तहसील, रजिस्ट्रार कार्यालय, सांगानेर कोर्ट, सारी चीजें वहां पर एक साथ लाई जा सकती है। किसान महापर